एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। नमस्ते, मैं हूँ शैवा, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। एंड आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आप लोगों के लिए आने वाला नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, यही हम आज की रीडिंग में जानने वाले हैं। एंड अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ स्टक महसूस कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ या करियर लाइफ में कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, या फिर ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन मिल जाएगी। और ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है। इस रीडिंग को आप अपनी कोई भी राशि, सूर्य राशि, चंद्र राशि, सन साइन, मून साइन, लग्न राशि, नाम के अकॉर्डिंग राशि, किसी भी तरह से इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपकी राशियां अलग अलग है सन साइन और मून साइन के अकॉर्डिंग, तो आप अलग अलग रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो आपका ढेर सारा स्वागत है इस चैनल पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल फैमिली। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो। एंड मैं आप सभी लोगों का, लास्ट वीक मेरा बर्थडे था, मैंने बताया था ना, तो आप सभी लोगों का दिल से बहुत 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 सारा थैंक यू। इतनी सारी विशेज़ ना मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं आई जितनी विशेज़ आप लोगों ने मुझे दे दी। सो थैंक यू सो मच माई सोल फैमिली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड विशेज़। और आप सभी लोगों को ईश्वर 100 times तरक्की दे, ग्रोथ दे, अबंडेंस दे, यही मेरी दिल से कामना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, फॉर कनेक्टिंग विद मी। ओके, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एडियो आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं गणपति जी का नाम लेकर। ओम गं गणपते नमः। हेलो टॉरस राशि, वृषभ राशि, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक क्या लेकर आ रहा है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी इसमें पिक कर पाऊँ और आपको अच्छे से गाइडेंस दे पाऊँ। वृषभ राशि, द लवर्स, वाव, शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई है। 3 of Swords क्यों आ गया भाई? ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पहले मैं कार्ड्स ले लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। 7 of Pentacles, द सन, वी हैव 6 of Wands, ब्यूटिफुल। सो यस टॉरस राशि, सबसे पहले आपके करियर में मैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेस को आते हुए देख रही हूँ। सक्सेसफुल आपका करियर रहने वाला है, बहुत सारी विक्ट्री आ रही है, बहुत सक्सेस आ रही है। पेशेंस में रहने के लिए आपसे थोड़ा सा कहा जा रहा है। और यहाँ पर जिसका जिस पल का आपको इंतज़ार था ना, वो पल यहाँ पर आ सकता है, वो घड़ी यहाँ पर आ सकती है और आपको सक्सेस मिल सकती है अपने किसी काम में, ठीक है। और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत लोग आपकी तारीफ़ करने वाले हैं और काफ़ी लोगों को आप खुद ही मोटिवेट कर सकते हैं। एक लीडर की तरह लोग यहाँ पर आपको देख रहे हैं, एक गाइड की तरह आपको यहाँ पर लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। काफ़ी लोगों के सामने आपको स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह देते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोग। काफ़ी लोग आपसे एडवाइस लेने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा इज्जत, रिस्पेक्ट को आप लोग गेन कर रहे हैं इस हफ्ते अपने करियर में। एंड साथ में बहुत ज़्यादा मान सम्मान, प्रतिष्ठा आ रही है आप लोगों के लिए। आपका प्रमोशन भी यहाँ पर पॉसिबल होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा पेशेंस आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा और पेशेंटली जो भी है आप उसका काम, उसको काम करना, अपने पेशेंस को काम में लाना इस हफ्ते आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर आप लोग फेमस भी हो सकते हैं अपने ग्रुप में, अपनी कम्युनिटी में, यहाँ पर अपनी ऑफिस में, अपनी कंपनी में, जहाँ पर भी आप काम करें, अपने क्लासरूम में फेमस हो सकते हैं आप लोग। कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन और पैशन के साथ आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं, अपने काम को करने वाले हैं, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं, कुछ लोगों की वजह से आपके दिल को ठेस पहुँच सकती है, हर्ट हो सकता है कुछ ना कुछ। तो यस, लोगों की बातों पर इतना ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। और साथ में मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, तो उसी को सोच सोच के आप अपनी एनर्जी को ख़राब कर रहे हैं, एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की एनर्जी है, नेम फेम की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट आपका रहने वाला है। वो रिज़ल्ट आपको कभी भी मिले, ठीक है, तो वो उसकी परवाह नहीं करनी है आपको।
कहीं ना कहीं ट्रैवल के चांसेस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं ट्रैवलिंग के। आप लोग ट्रैवलिंग करने के लिए जा सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी इवेंट्स को अटेंड करने के लिए, शादी फंक्शंस वगैरह को अटेंड करने के लिए आप लोग जा सकते हैं। एंड यहाँ पर लव लाइफ की बात करें तो जो लोग भी यहाँ सिंगल हैं फ़िलहाल, आप लोग मुझे यहाँ पर सिंगल ही इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑफर्स आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है कुछ। बट आप लोग है ना सिंगल ही यहाँ पर प्रेफर करने वाले हैं। ऑल्सो मुझे लगता है कि अपने पास्ट को आप लोग भुला रहे हैं, भुला नहीं रहे हैं, उसे ओवरकम हो रहे हैं, हील कर रहे हैं खुद को। आप हीलिंग प्रोसेस में हैं तो थोड़ी सी चीज़ें आपको हर्ट हो सकती हैं, थोड़ा सा इमोशनल पेन हो सकता है आप लोगों को, ठीक है। इमोशनल पेन मतलब कि रोना आ सकता है आपको, इमोशनली डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो यस, यहाँ पर जो लोग भी सिंगल हैं फ़िलहाल, आप लोग अपनी हीलिंग पर ही ध्यान देते हुए, अपने करियर पर ही ध्यान देते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से मनमुटाव आपके बीच में हो सकते हैं, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हो सकता है। बट डोंट वरी, ये जो भी मनमुटाव है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स है, लड़ाई झगड़ा है, वो बहुत ही जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आपके पार्टनर यहाँ पर आपको अच्छे से सपोर्ट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी है, बहुत पैशन की एनर्जी है, सेक्सुअल पैशनेट एनर्जीज यहाँ पर बहुत हाई है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं तो उस वजह से आप परेशान फील कर सकते हैं, अपनी लाइफ में परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है इस हफ्ते थर्ड पार्टी की वजह से। क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर आपकी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, और कोई और भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर जो है आपसे कुछ छुपा रहे हैं, उनका सच आपके सामने आ सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि वो आपको धोखा ही दे रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ झूठ वो आपसे कह रहे हैं जिसका सच आपके सामने यहाँ पर आ सकता है, और आप उस सच को पकड़ सकते हो और वो चीज़ यहाँ पर आपको हर्ट कर सकती है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ 666 एंजल नंबर बन रहा है, जो कि बात करता है कि आपको नेगेटिव थिंकिंग में नहीं रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग बनाना है, ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते जाना है आप लोगों को, ओके। एंड यहाँ पर हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने इमोशनल सेल्फ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, एंड आपको अपने सर का, अपने पैरों का भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए इस हफ्ते, क्योंकि आप थकान महसूस कर सकते हैं और इमोशनली भी आप काफ़ी थके हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते। तो अपनी इमोशंस को बहुत संभाल के यूज़ कीजिएगा, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के लिए आपसे कहा जा रहा है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बेबी ब्लेसिंग भी आ रही है और गुड न्यूज़ आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सो कंग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। बहुत ज़्यादा आपको अपना ध्यान रखना है यहाँ पर, ओके। तो देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है टॉरस राशि। एक तो गाइडेंस यही है कि पेशेंटली किसी चीज़ का वेट कीजिए, ठीक है, अपने अंदर धैर्य लेकर आइए, ठीक है, और फ़न एनर्जी ऐड कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। जैसे भी आप फ़न एनर्जी जो इन्जॉय करोगे ना आप अपने जीवन में, वैसे ही आपको हीलिंग मिलेगी, ठीक है। गो फॉर इट, अगर आप किसी काम को आगे करना चाहते हैं, जस्ट गो फॉर इट, बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, जस्ट गो फॉर इट, स्टेप अप एंड लीड। यस, लीड करने का मौका आप लोगों को मिल सकता है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया, लीडरशिप स्किल्स पे काम कीजिए अपने, और कुछ लीड करने से मत घबराइए। स्टेज अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उससे मत घबराइए। देखिए सक्सेस आ रही है, ये कन्फर्मेशन है कि आप लोगों के लिए सक्सेस आ रही है। देखिए करियर में तो बहुत कुछ यहाँ पर हो रहा है आपकी लाइफ में, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। कुछ चेंज कीजिए अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में, अपनी लाइफस्टाइल में, कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। एक कार्ड में लव लाइफ के लिए लेना चाहूँगी, ओके। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यस, आपसे कहा जा रहा है योर सिचुएशन इज़ गोइंग टू इम्प्रूव, जस्ट यहाँ पर पॉजिटिव आपको रहने की ज़रूरत है, ओके। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक की गाइडेंस। अगर आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली आज की रीडिंग से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करिएगा ये वीडियो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन मिल जाएगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।